नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि अभी वन रक्षक की जो है भर्ती आने वाली है, मई महीने में वन रक्षक की एग्ज़ाम होगी, तो कई सारे स्टूडेंट्स ने मांग करी कि सर इसका जो है सिलेबस है हमें बता दीजिएगा। तो वन रक्षक का सिलेबस जो है बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही आसान सिलेबस है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ पर। तो चलिए आज हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं, है ना, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स और साइंस। मतलब कि ये 5 सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। सभी का रेशो बराबर है। टोटल यहाँ पर 100 नंबर का पेपर रहेगा, यानी कि 20-20 नंबर का आएगा। 20 नंबर का सामान्य ज्ञान आएगा, 20 नंबर का यहाँ पर हिंदी आएगा, 20 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा, 20 नंबर का मैथ्स और 20 नंबर का जनरल साइंस। रीजनिंग इसमें मिक्स रहेगा। रीजनिंग का ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि रीजनिंग नहीं आएगा, रीजनिंग इसमें मिक्स रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें 5 विषय शामिल है जो 100 अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे की रहेगी, यानी कि 120 मिनट का आपके पास यहाँ पर समय रहेगा। 100 क्वेश्चन आपके पास रहेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है, माइनस मार्किंग है ना। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में यहाँ पर रहेगा, है ना। इसके अलावा हम सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के सब्जेक्ट की बात करें तो सामान्य ज्ञान का जो ऐसा सिलेबस होता है जो कि कोई इसका फिक्स नहीं है कहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। सामान्य ज्ञान में सबसे अगर पहले हम बात करें तो यहाँ पर वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बनेंगे। प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी, ये साइंस का पोर्शन है। इसमें साइंस और सामान्य ज्ञान दोनों एक साथ में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो साइंस और जीके के दोनों टॉपिक्स इसमें शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक के नाम आ जाएंगे इस पुस्तकों में। यहाँ पर हिंदी की पुस्तकें भी आ जाएगी, करंट अफेयर्स की भी पुस्तक और जीके की जितने भी यहाँ पर पुस्तकें। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी से भी यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। बेसिक कंप्यूटर से यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं, है ना, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा भारतीय संस्कृति यानी कि भारत की इतिहास, भूगोल से प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, है ना, ज्योग्राफी से यहाँ प्रश्न रहेंगे। रसायन विज्ञान ये जो है साइंस का पोर्शन है। इसके अलावा हम बात करें भारतीय संसद से यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। भारतीय संसद यानी कि हम बात कर सकते हैं कि भारतीय संविधान से भी यहाँ पर प्रश्न रहेगा। बेसिक जीके यानी कि विविध का पोर्शन भी इसमें रहेगा। यहाँ पर खेलकूद से प्रश्न बनेंगे। पुस्तकें, बुक्स ऑलरेडी पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्यौहार से यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी यानी कि MPGK से यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। MPGK आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश के विकास से प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। मध्य प्रदेश की संस्कृति, भारतीय राजनीति यानी कि पॉलिटिकल, है ना, यहाँ पर संविधान आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा हम बात करें इकोनॉमिक्स से यहाँ पर प्रश्न आएंगे। अर्थव्यवस्था से, भारतीय इतिहास में तीनों इतिहास आपको पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। भौतिक विज्ञान से प्रश्न रहेंगे। विश्व में आविष्कार, वैज्ञानिक प्रकृति विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल एथलीट जैसे आवश्यक ज्ञान यानी कि जो भी खिलाड़ी रहते हैं उनसे रिलेटेड यानी खेलकूद वाला सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। बजट और पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आपको पढ़ना है। कुल मिला के अगर हम GK में बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पर इतिहास, राजनीति, भूगोल और ये पढ़ना है। इसके अलावा खेलकूद आपको पढ़ना है। खेलकूद के अलावा पर्यावरण देख लेना है, करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको देख लेना है, अर्थव्यवस्था यहाँ पर आपको पूरा पढ़ लेना है, विज्ञान में तीनों साइंस आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। इसके अलावा बॉटनी, जूलॉजी ये पोर्शन जो उसमें आ जाएंगे। बात करें हम हिंदी के सिलेबस की तो हिंदी का सिलेबस भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना यानी कि आपको वाक्य वाला टॉपिक पूरा पढ़ना रहेगा। विलोम शब्द आपको पूरा पढ़ना रहेगा। यहाँ पर समानार्थी शब्द पढ़ लेना है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, कहावतें, लोकोक्ति और मुहावरे, संधि और विच्छेद वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना ये भी आपको ध्यान रखना है। रचना और उनके रचयिता, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के रूप, है ना, शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, इतने सारे टॉपिक यहाँ पर आपके काम के होने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखना है किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, वाक्य का जो है लिंग परिवर्तन यहाँ पर आपको देखना है, मुहावरे और उनके अर्थ, ये आपका हिंदी का पोर्शन रहेगा। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। इसके अलावा हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपको यहाँ पर व्याकरण सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, गलतियों को सुधार करना है यानी कि एरर करेक्शन के यहाँ पर प्रश्न आएंगे, मुहावरे और वाक्यांश, है ना, एंटोनिम्स और फेरर्स फेसेस यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा शब्दावली, काल से क्वेश्चन आएंगे, टेंथ से रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, सामग्री आपको देखना, आर्टिकल्स, क्रिया यानी कि वर्ब आपको देखना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको देखना है, अनदेखी मार्ग यानी अनसिस पैसेंस आपको देखना है, विलोम शब्द, एंटोनम्स और समानार्थी शब्द, सेनोनम्स और एंटोनम्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें
तो विषय क्रिया समझौता से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले। इसके अलावा हम बात करें मैथ्स के टॉपिक की, तो मैथ्स में यहाँ पर आपको जो है देखना है टेबल्स और लेखांकन का उपयोग, है ना, इस ग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बुनियादी अंक गणितीय संचालन, है ना, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। संख्याओं के बीच संबंध, यहाँ पर रिलेशंस बिटवीन नंबर यानी कि संख्या पद्धति वाला टॉपिक। मौखिक और चित्रा वर्गीकरण यहाँ पर आएंगे, है ना, क्लासिफिकेशन से संपूर्ण संख्याओं की गणना। इसके अलावा बात करें अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, अनुपात और समानुपात वाला टॉपिक इसमें आने वाला है। दशमलव और अंश वाला टॉपिक आएगा, है ना, डेसिमल्स और फ्रैक्शन वाला। समानता और अंतर आएगा, निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग वाला। लाभ और हानि, अनुपात और समय और दूरी, ये जो टॉपिक के अलावा अगर हम बात करें मैथ्स में, तो समय और काम वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समय और काम के अलावा अंतरिक्ष दृश्य वाला, गैर मौखिक श्रृंखला, इसके अलावा समस्याओं को सुलझाना, त्रिकोणमिति, अंक गणित, ज्यामिति, उपमा वाला, एनालॉजीज वाला, विश्लेषण, एनालिसिस वाला प्रश्न जो है, बीजगणित, आंकड़े, प्रतिशत, ब्याज, छूट, इसके अलावा औसत भी यहाँ पर आएगा, और लास्ट में जजमेंट यानी कि निर्णय। इतने सारे टॉपिक्स हैं हमारे पांचों सब्जेक्ट के, ध्यान रखना है मेन रूप से पांचों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जो नॉर्मली पढ़ते हैं। इसके अलावा बाद में जो है फिजिकल पोर्शन रहेगा थोड़ा बहुत, फिजिकल इतना इसका कोई ज़्यादा टप नहीं है। फिजिकल की अगर हम बात करें तो मेल के लिए यहाँ पर हाइट 163 सेंटीमीटर रहेगी और चेस्ट जो है यहाँ पर 79 रहेगा और 5 सेंटीमीटर जो है फुलाने के आपका बाद रहेगा। वॉकिंग यहाँ पर आपको करनी रहेगी 4 घंटे में 25 किलोमीटर, है ना, 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस वॉकिंग के माध्यम से यानी कि चलकर तय करना है। फीमेल की अगर हम बात करें तो 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी है और फीमेल में चेस्ट नहीं मांगते। इसके अलावा अगर बात करें तो 4 घंटे में यहाँ पर आपको 14 किलोमीटर जो है फीमेल को चलना है। तो ये है वन रक्षक का बहुत ही आसान और सिंपल सिलेबस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।